सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। भीषण गर्मी और उमस के बीच हैलेट अस्पताल के आईसीयू में एसी सिस्टम फेल होने से 5 मरीजों की मौत हो गई। आईसीयू में 4 बच्चों समेत 11 मरीज भर्ती हैं। एसी सिस्टम फेल होने से वेंटिलेटर और अन्य जीवन रक्षक उपकरणों ने भी काम करना बंद कर दिया है। घटना से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। हैलेट आईसीयू का एसी प्लांट बुधवार रात 12 बजे ठप हो गया था। मेंटेनेंस का ठेका खत्म होने से मरम्मत भी नहीं हो पाई। ऐसे में चारों तरफ से बंद आईसीयू वार्ड में मरीज तड़प उठे। जूनियर डॉक्टरों की शिकायतों के बाद मरम्मत करने के लिए इंजीनियर आए, तब पता चला कि एसी प्लांट की मोटरें फूकने से कूलिंग फेल हो गई। ऐसे में अंदर हवा का कोई इंतजाम ना होने से लगे कंप्यूटर और वेंटिलेटर ने भी काम करना बंद कर दिया। इसके बाद बीते 24 घंटे में एक एक करके 5 मरीजों की जान चली गई। वहीं एक अन्य मरीज को हार्ट अटैक की शिकायत पर भर्ती किया गया था और 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। आईसीयू प्रभारी का कहना है कि बीते 24 घंटों में 5 मरीजों की मौत तो हुई है, मगर एसी प्लांट फेल होने से नहीं। 3 मरीजों की मौत हार्ट अटैक से, जबकि 2 मरीज काफी गंभीर थे। उन्हें देर रात न्यूरो सर्जरी आईसीयू में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही थी। दूसरी ओर एडीएम सिटी का कहना है कि जैसे ही ये मामला डीएम के संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल 2 एसी की व्यवस्था कराई। इस संबंध में डॉक्टरों से बात भी की गई। जहां तक मौतों की वजह का मामला है, डॉक्टरों ने यही बताया कि एक मौत सुबह हुई और एक शाम को। दोनों ही मरीजों की उम्र 75 के ऊपर है, कि धड़कनें 2 बार पहले भी रुक चुकी थी। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों की मौत शॉक और सेप्टिसीमिया से हुई। पहली नज़र में कोई और वजह सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा कुछ नज़र आता है पूरे प्रकरण की विधिक जांच कराई जाएगी। सच बात तो ये है कि प्रशासन कुछ भी कह ले, लेकिन इन मौतों का गुनहगार कौन है, इस बात की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। कौशल कुमार के साथ पूजा, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।